सब्जी मंडी में जाकर सब्जी खरीदना ये अपने आप में एक कला है और ज्यादातर महिलाएं इस कार्य को बड़े ही आनंद से करती हैं। आजकल तो सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है, जिसे हम सुपरमार्केट कहते हैं। हम यह अक्सर देखते हैं कि आजकल सुपरमार्केट में सब्जियां बड़ी ही आकर्षक लगती हैं। टमाटर पहले से अधिक लाल दिखाई देते हैं, सेब का आकार भी बड़ा लगने लगा है, यहाँ तक कि हरी सब्जियां इतनी हरी दिखती हैं मानो किसी ने उन्हें रंग दिया हो। परंतु इन सारे फल और सब्जियों का स्वाद अब पहले जैसा नहीं लगता। एक समय था जब घर में भोजन बनते ही सारा घर महक उठता था। माँ आंगन में बिर्रा की रोटियां और आलू प्याज की तली सब्जी बनाती थी और हम चटकारे लेकर खाते थे। वह स्वाद आज भी मुंह में पानी भर देता है। आज भी माँ रोटी बनाती है वही इसने है, लेकिन स्वाद में बहुत अंतर आ गया है। क्या कारण है कि धीरे धीरे अनाज एवं सब्जियों से वह ना भुलाने वाला स्वाद लुप्त होता जा रहा है। सब्जियों एवं खाद्यान्नों में जैविक ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। कृषि रसायनों ने हमारी मिट्टी, पानी, हवा और संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। सबसे गंभीर प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर हुए। यही जहरीले रसायन फलों, सब्जियों, अनाजों, दालों, मसालों, खाद्य तेलों, दूध, अंडे, मांस, पानी आदि के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर आपकी सेहत को तबाह करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन बढ़ने से किसान का मुनाफा बढ़ जाता है। सरकार भी किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की सलाह देती है, लेकिन इस वैज्ञानिक ढंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल तक ही सीमित रह जाता है। अमेरिका में हुए अनुसंधान से ज्ञात होता है कि जब कीटनाशी रसायनों का पेड़ पौधों, सब्जियों और फलों पर छिड़काव किया जाता है तो इन रसायनों की केवल 1% मात्रा ही सही लक्ष्य तक प्रभावी हो पाती है। शेष 99% मात्रा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। भारत में फसलों पर हर वर्ष 25 लाख टन पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है। इस प्रकार हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपया खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइडों पर खर्च हो जाते हैं। आज खतरा केवल रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से ही नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थों में जिस तरह मिलावट का धंधा फल फूल रहा है वह भी मानवीय स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। सब्जियों में जहरीले रसायनों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक आकलन के अनुसार वर्तमान में हम रोजाना 0.5 ml जहर ले रहे हैं। लोकप्रिय सब्जी परवल को रंगा जा रहा है। सब्जियों के आकार को जल्दी बड़ा करने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। यह प्रयोग बेल वाली सब्जी पर सबसे ज्यादा किया जाता है। इससे सब्जियों की लंबाई चौड़ाई जल्दी बढ़ जाती है और किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बासी सब्जियों को मेलेथियन के घोल में 10 मिनट तक डाला जाता है ताकि सब्जियां 24 घंटों तक तरोताजा दिखाई दे। इसका प्रयोग भिंडी, गोभी, मिर्च, परवल, लौकी, पत्ता गोभी पर अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से अनाज, सब्जियां, दूध और पानी, जो इंसान के भोजन का प्रमुख आधार है, वह लगातार जहरीले बनते जा रहे हैं। इस वजह से इंसानी जीवन धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है। आज दिल का दौरा, मधुमेह, रक्तचाप एवं अन्य कई प्रकार की बीमारियां आम होती जा रही हैं और इसका एक सबसे बड़ा कारण है आज हम जो भी खाते हैं उसमें रासायनिक तत्वों की अधिकता इतनी ज्यादा होती है
कि हमारा खाना मीठा जहर बन चुका है। कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की फसल में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने से रोटी के अंदर भी इनके अवशेष पाए जा रहे हैं। यही कारण है कि कृषि रसायन शरीर में रक्त के साथ बह रहे हैं। इसका प्रमाण पंजाब के भटिंडा और मुक्तसर जिले हैं, जहां ग्रामीणों के रक्त की जांच करने पर उनके रक्त में 13 प्रकार के कीटनाशक घुले पाए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए एक अनुसंधान के अनुसार दुनिया में 25 लाख लोग प्रतिवर्ष कीटनाशकों के दुष्प्रभावों का शिकार होते हैं। उनमें से तकरीबन 5 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। लंबे समय तक ऐसे गेहूं का प्रयोग करने से हार्ट और लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती है। ये वही गेहूं है जिसके अंदर बड़ी मात्रा में कृषि रसायन पाए जाते हैं। ऐसे गेहूं को खाने से लकवा भी हो सकता है। गन्ने की सघन खेती वाले क्षेत्रों में लड़कियों में 7 वर्ष की उम्र में ही महावारी शुरू हो जाती है। ये प्रभाव मनुष्य के अलावा अब अन्य जीवों पर भी दिखलाई दे रहे हैं। पक्षियों के अंडों के छिलके इतने पतले हो गए हैं कि वे आसानी से फूट जाते हैं। TDT से सेक्स में परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। यानी कि ये रसायन हमारी अनुवांशिकता के वाहक क्रोमोसोम्स पर स्थित जीन्स की संरचना में भी अवांछित परिवर्तन करने में सक्षम है। रासायनिक खाद, कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी रसायनों के प्रयोग के दौरान संपर्क में आने पर किसानों के आंख, नाक, त्वचा और होठों की कोशिकाओं के जरिए ये शरीर में प्रवेश कर वीर तक पहुंच जाते हैं। ये सीमेन या वीर का पीएच कम करते हैं और उसे अम्लीय बना रहे हैं। इनके परिणाम स्वरूप वीर के अंदर शुक्राणु की मात्रा आधी रह जाती है, यानी सीमेन में स्पर्म काउंट तकरीबन आधा घट जाता है। इसके अलावा सीमेन में उपस्थित अधिकतर स्पर्म क्षतिग्रस्त होते हैं। इन सब बातों का फर्टिलिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि रसायनों के कारण आज गांव के अंदर भी इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान में पाया गया कि कृषि रसायनों का भरपूर प्रयोग करने वाले खेतों में और उनके समीप रहने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर खेतों से दूर रहने वाले बच्चों की तुलना में काफी कम था। वृद्धों में भूलने की बीमारी अल्जाइमर का संबंध भी एग्रोकेमिकल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये रसायन मनुष्य की मानसिक क्षमता को भी कम कर रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। खेत में जैव विविधता होनी चाहिए, यानी कि केवल एक किस्म की फसल को ना बोकर खेत में एक ही समय पर कई किस्म की फसलों को बोना चाहिए। जैव विविधता युक्त या मिश्रित खेती मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और कीटों का नियंत्रण करने दोनों में सहायक सिद्ध होती है। जहां तक संभव हो सके हर खेत में फली वाली या दलहनी फसलों को कपास, गेहूं और चावल जैसी फसलों के साथ मिलाकर बोना चाहिए, क्योंकि दलहनी या फली वाली फसलें नाइट्रोजन की पूर्ति में सहायक होती है। ये मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे कि अनावश्यक रूप से खाद नहीं डालना पड़ता है। एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी में कमी आती है, इसलिए फसल चक्र में बदलाव करते रहना चाहिए। एक ही तरह की फसल को बार बार लेने से मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व भी कम हो जाते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के कीटों और खरपतवारों को लगातार पनपने का मौका देते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग करके हम पौधा खाने वाले कीड़ों के साथ साथ उन कीड़ों को भी नष्ट कर रहे हैं जो उन हानिकारक कीड़ों को खाते थे। इस तरह हम समस्या के साथ साथ समाधान का भी उन्मूलन कर रहे हैं। फसल खाने वाले कीड़ों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है और हमें पहले से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। लाखों रुपए कीटनाशकों पर व्यय हो रहे हैं जो किसान को लाभ के रूप में मिल सकते थे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने तकरीबन 1.5 दर्जन कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। प्रतिबंधित की गई दवाएं गर्भवती महिलाओं से लेकर अन्य जीव जंतु तक के लिए घातक बताई गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जिन दवाओं की बिक्री को प्रतिबंधित किया है उनमें बेनोमाइस, कार्बाइल, डाइजिनॉन, फेनारियोल, फेथियोन, लिथुरॉन, मिथॉक्सीथाइल, मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, थियोमेटॉन, टाइडेफॉर्म, ट्राइफ्लोरिलीन, अलाक्लोर, डाइक्लोरोवास, फोरेट,
फॉस्फोमिडॉन, ट्रायोजोफोस और अन्य भी कई दवाएं शामिल हैं। एक कृषि अधिकारी बतलाते हैं कि इन दवाओं का सर्वाधिक असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा था। खेत में काम के लिए जाने वाली महिलाओं के बच्चे जन्म से ही विकृत हो रहे थे। इसके अलावा मछलियों पर भी इन दवाओं का दुष्प्रभाव होता है। ये दवाएं खेतों से होकर जल स्रोतों तक पहुंचती हैं, तालाब में उपस्थित मछलियों के शरीर में इकट्ठी होती हैं और मछलियों के जरिए ये मनुष्य के शरीर तक पहुंच रही हैं। इस समस्या को बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जिसमें कि टॉक्सिक केमिकल शरीर के अंदर लगातार बढ़ने लगते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम खाद्य पदार्थों में उपस्थित जहर से बच सकें? जी हाँ, कुछ तरीके हैं जिनका अगर हम पालन करें तो कीटनाशकों का प्रभाव हमारे रोज के खाद्य पदार्थों से कम किया जा सकता है। हमेशा जैविक और स्थानीय रूप से उगाए गए फल और सब्जियां खरीदें। अपने स्थानीय बाजार से जैविक इन सीजन उपज खरीदना कीट मुक्त उपज का सबसे अच्छा आश्वासन है। हमेशा खाने से पहले सब्जियों को फलों को अच्छे से धोएं। आज बाजार में सब्जियों और फलों को धोने के लिए कुछ विशेष प्रकार के वॉश उपलब्ध हैं, जो रासायनिक परतों को हटा देते हैं। हम सुबह से लेकर रात के भोजन तक जो भी अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उसका महत्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। परेशान किसान भी अब रासायनिक खाद और कीटनाशकों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, ताकि भूमि को फिर से और अधिक उर्वरक बनाया जा सके। याद रखिए, आपूर्ति का संबंध मांग से है। यदि आप ऑर्गेनिक उत्पाद मांगेंगे तो बाजार आपको वही प्रदान करेगा। जब तक हम प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन पर विराम नहीं लगाएंगे, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की बात निरर्थक साबित होगी। हमें किसानों को हर संभव सहायता देनी होगी, जिससे वे अपने आप को महंगी कृषि पद्धतियों और कीटनाशकों के चक्र से मुक्त कर सके और बेहतर कार्बनिक फसलों का उत्पादन कर सके। आज आवश्यकता है इस प्रकार की कृषि की, जिसमें रसायनों का कम से कम प्रयोग होता हो। याद रखिए, धरती में इतनी क्षमता है कि वह सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने में वह सक्षम नहीं है। धरती माँ तुल्य है और माँ का सम्मान कीजिए, इसके बदले वह आपका ध्यान से लालन पालन करेगी।